नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चीफ मिनिस्टर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री के बारे में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमने पढ़ा था। तो आपने नोट किया होगा कि हम कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, जैसे कि पहले हमने प्रेसिडेंट पढ़ा फिर गवर्नर पढ़ा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती हैं जो यूनियन लेवल पर होती हैं और जो स्टेट लेवल पर होती हैं। तो अगर हम कंपेयर करके पढ़ते हैं, कंपेरिजन करके पढ़ते हैं, तो हमें थोड़ी आसानी होती है टॉपिक को समझने में भी, और टॉपिक को ज़्यादा दिनों तक याद रखने में भी आसानी होती है अगर हम कोई भी चीज़ को कंपेयर करके पढ़ते हैं। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा प्राइम मिनिस्टर, तो आज हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर। इन दोनों का कंपेरिजन हम करके देखेंगे। आप ये भी मतलब एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि ऑलमोस्ट सेम चीज़ है जो प्राइम मिनिस्टर के लिए वैलिड होती है, सेम स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर के लिए भी चीज़ें वैलिड वही होती है, सेम पावर सेम फंक्शंस एट द स्टेट लेवल। लाइक उसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल 75 में कि प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। यहाँ पर है चीफ मिनिस्टर के लिए आर्टिकल इस आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 क्या कहता है? आर्टिकल 164 कहता है दैट चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नर साहब। और मतलब वही सेम जैसे वहाँ पे 75 है, यहाँ पर 164। और आप लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, सेम गोज विद चीफ मिनिस्टर, ही इज़ ऑल्सो द रियल एग्जीक्यूटिव एट स्टेट लेवल। यानी कि यही मतलब जो भी डिसीजन होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन और ये सारा का सारा डिसीजन मेकिंग पावर चीफ मिनिस्टर साहब और इनकी यूनियन मतलब इनकी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं, और यही एडवाइस करते हैं गवर्नर साहब को। एडवाइस किसको करते हैं? गवर्नर साहब को करते हैं। गवर्नर साहब फिर वही बिल को पास करते हैं जो भी ये लोग एडवाइस करते हैं। मीन्स ये लोग रियल हैं, डिफैक्टो। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दैट इसको कहते हैं हम डिफैक्टो, यानी कि जो फैक्ट है असली में दैट रियल पावर इज़ विद चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो अगर हम बस सिंपल सी एक लाइन अगर हम समझें तो बात यही है कि जो पीएम की यानी कि प्राइम मिनिस्टर की सेंटर पे चीज़ होती हैं, जो भी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक एक वर्ड है रियल एग्जीक्यूटिव, ये सारी की सारी सीएम के साथ भी होती हैं, बट वो स्टेट लेवल पे होती हैं, खाली एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। पीएम के तो ऑल ओवर इंडिया होती है, मीन्स जो भी पावर्स होती हैं, और जो इनका है सीएम साहब का दैट ये एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही रहता है। बाकी इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब एक बाउंड्री डिफाइंड हो रखी है, एक टेरिटरी डिफाइंड हो रखी है कि इनकी स्टेट एक प्रोवाइड कर रखा है, उसी के अंदर जो भी इनकी पावर्स होंगी उसी के अंदर होंगी, उसके बाहर उनकी पावर नहीं मानी जाती कोई भी। और लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी अगर आपको याद हो, कि ज़रूरी नहीं है इनको मेंबर होना चाहिए 6 महीने तक, मतलब इनके पास 6 महीने का टाइम रहता है। सपोज़ अगर ये मेंबर नहीं भी हैं किसी भी विधानसभा के, इनको फिर भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, बट 6 महीने के अंदर इनको इलेक्शन लड़ के दोबारा से मतलब एक सीट लेनी पड़ती है। MLA इनको बनना ही पड़ता है 6 महीने के अंदर, वरना इनको CM पद से हटा दिया जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था ना 1997 में, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं या चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मेंबर हों किसी हाउस के, बट उसके बाद उनके पास 6 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर उनको मेंबर बनना पड़ता है किसी हाउस का, वरना उनको उस पद से हटा दिया जाता है। इसका एग्जांपल अगर आप देखें तो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपने नाम सुना होगा योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी जो कि करंटली चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। जब इलेक्शन हुए थे, BJP जीती थी 2017 में, तब उन्होंने अपना कोई CM कैंडिडेट पहले से ऐलान नहीं कर रखा था कि हमारा CM कौन बनेगा, बट जब इलेक्शन जीत गए तो उन्होंने योगी जी का नाम अचानक से सामने ला के रखा कि योगी जी हमारे CM बनेंगे। बट योगी जी उस टाइम पे उन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी MP थे पहले, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर उनको चीफ मिनिस्टर बनना होता है तो उनको बनना पड़ता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है कि जो वहाँ की विधानसभा होती है, जैसे इंडिया में एक ओवरऑल इंडिया का है अगर हम देखें तो पार्लियामेंट होता है, ऐसे ही पार्लियामेंट के जैसे स्टेट के अंदर होती है एक लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका उनको मेंबर होना कंपलसरी होता है अगर उनको चीफ मिनिस्टर बनना है तो।
मतलब वही जो 6 महीने वाली बात है वो यही वैलिड है कि 6 महीने के अंदर उनको MLA बनना था। तो BJP ने क्या किया, इनको नाम घोषित कर दिया कि ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे हमारे। तो गवर्नर साहब ने इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया क्योंकि BJP पावर में थे, मतलब BJP के पास सारी सीट्स आ गई थी, तो BJP के पास पावर थी अपना लीडर डिसाइड करने की। तो उन्होंने योगी जी को अपना CM कैंडिडेट घोषित किया। बट फिर उनको 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से कहीं किसी सीट से इलेक्शन लड़के जीतना पड़ा और फिर विधायक बने, तभी उनके 6 महीने के बाद भी वो कंटिन्यू कर पाए एज अ चीफ मिनिस्टर। वरना उनको उनके पद से हटा दिया जाता अगर मतलब MLA नहीं बनते तो। सिंपल सी बात। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, मतलब काफ़ी पहले भी, आप गूगल करके एक बार देखिएगा। मेरे ख्याल से शायद उद्धव ठाकरे जी का भी शायद मतलब कन्फर्म नहीं है, बट मेरे ख्याल से उनका भी ऐसे ही केस था कि वो भी शायद मेंबर नहीं थे बट चीफ मिनिस्टर बना दिए गए, फिर वो बाद में उन्होंने चुनाव लड़ा और मेंबर बने। और जैसे प्राइम मिनिस्टर का था कि वो या तो लोकसभा से हो सकते हैं या राज्यसभा से हो सकते हैं, सेम केस चीफ मिनिस्टर के साथ भी है। चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारे हैं ये भी या तो मतलब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देता हूँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, या होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC बोलते हैं जिसको हिंदी में, इसको बोला जाता है विधानसभा के सदस्य, विधानसभा, और इसको बोला जाता है विधान परिषद। काउंसिल को बोलते हैं परिषद। बट जो MLC है इसकी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हर एक स्टेट में नहीं है, ये कंपलसरी नहीं होता कि हर एक स्टेट का अपना एक MLC यानी कि मतलब एक उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, विधान परिषद हो हर एक स्टेट में। जहाँ तक मेरे को याद है सिर्फ ये अभी करंटली 6 स्टेट्स में हैं, UP, बिहार, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, एक दो तीन चार कर्नाटका, तेलंगाना एंड शायद आंध्र प्रदेश। पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी था बट जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तब से वहाँ का विधान परिषद हटा दिया गया। और MLC हर एक स्टेट में नहीं होता, ये स्टेट की खुद की मर्जी होती है कि उनको अपना मतलब दो हाउस रखने हैं कि नहीं रखने, एक तो विधानसभा दूसरा विधान परिषद। बट ये प्रोसेस भी मतलब वो अपनी मर्जी से खुद नहीं कर सकते, वो एक प्रस्ताव पहले पार्लियामेंट में रखते हैं स्टेट असेंबली, फिर पार्लियामेंट अप्रूव करता है कि विधान परिषद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अकेले स्टेट खुद से ना ही बना सकता है विधान परिषद और ना ही एबॉलिश कर सकता है उसको, ये दोनों सारा का सारा कंट्रोल पार्लियामेंट के हाथ में होता है। बट पहला जो प्रस्ताव रखेगी वो स्टेट गवर्नमेंट ही रखती है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रखती है, उसके बाद पार्लियामेंट कोई एक्शन लेता है उसके ऊपर। अब अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर के पावर और फंक्शंस के बारे में, जो हमने उसमें प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे पढ़ा था, पावर एंड फंक्शंस, सेम फंक्शन पावर इनके भी वही है। लाइक कंपेयर कर लेंगे, वहाँ पे प्रेसिडेंट को चेंज करके, मतलब प्रेसिडेंट थे यहाँ पे चेंज करके गवर्नर कर लेंगे, PM को चेंज करके CM कर लेंगे। फॉर एग्जांपल चीफ मिनिस्टर ही रिकमेंड करते हैं गवर्नर को कि कौन मिनिस्टर बनेगा, यानी कि मिनिस्टर जो अपॉइंट करते हैं गवर्नर वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते अपॉइंट। चीफ मिनिस्टर उनको जो एडवाइस करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं व्यक्ति को बनाएं, तो ये उन्हीं को बना सकते हैं, अपनी मर्जी से किसी को मिनिस्टर नहीं बना सकते। पॉइंट नंबर 1 ये था। पॉइंट नंबर टू इज़ दैट एक तो ये रिकमेंड करते हैं, दूसरा एक चीज़ और रिकमेंड करते हैं या तो बनाना है, दूसरा है कि अगर किसी को उनके पद से हटाना है, किसी मंत्री को उनके पद से हटाना है, यानी रिमूवल प्रोसेस जो होता है किसी मिनिस्टर का, ये गवर्नर को रिकमेंड करते हैं CM साहब, फिर गवर्नर उस मिनिस्टर को उनके पद से हटा देते हैं। तीसरा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इफ़ CM रिजाइंस, चीफ मिनिस्टर साहब रेजिग्नेशन दे देते हैं अपने पद से, रेजिग्नेशन,
तो क्या होता है, जो भी इनकी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो कोलैप्स कर जाती है। यानी कि इनकी भी सेम पावर है जो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास थी। प्रधानमंत्री जी जब रिज़ाइन करते थे तो उनकी जो भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी वो कोलैप्स हो जाती थी, यानी कि ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन हो जाता था एक तरह से, अगर आप देखें उस टाइम पे। सेम गोज़ विद स्टेट। अगर सीएम साहब हमारे रिज़ाइन करते हैं या किसी कारण करंट सीएम की डेथ हो जाती है और सीट वेकेंट हो जाती है, सीएम की कुर्सी जो भी होती है, तो फिर जो भी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं पूरा का पूरा एक साथ कोलैप्स कर जाता है, फिर दोबारा से नई कैबिनेट बनती है। ये है सीएम साहब की पावर, सिर्फ और सिर्फ उनके रेजिग्नेशन से पूरी की पूरी चीफ मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोलैप्स कर जाते हैं। अगला है कि जो भी इनकी मीटिंग्स होती है मंत्रियों की, आपने कैबिनेट मीटिंग सुनी होगी, उन सबको प्रिसाइड भी सीएम साहब करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वो खुद ही होते हैं। फिर अगला है कि गवर्नर साहब को ये वो क्या करते हैं, जैसे गवर्नर साहब को जो भी जानकारी चाहिए होती है वो सीएम खुद डायरेक्टली देते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देते थे। सीएम कम्युनिकेट डायरेक्टली टू गवर्नर, जो भी इनके डिसीजन होते हैं कैबिनेट मीटिंग्स की, वो सारे का सारे गवर्नर साहब को बताते हैं। पहला तो ये है, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। जैसे आर्टिकल 78 में हमने वहाँ पे पढ़ा था, ऐसे इनके लिए भी एक आर्टिकल है जो कि संविधान में लिखा है कि सीएम वो अपने मतलब जो भी उनकी डिसीजंस होंगे, जो भी वो प्रस्ताव रखने वाले होंगे विधानसभा में, सबकी सारी की सारी जानकारी गवर्नर साहब को देंगे। पॉइंट नंबर वन ये सर। पॉइंट नंबर टू इज़ अगर गवर्नर्स कुछ चाहें पूछना तो वो डायरेक्टली सीएम से पूछ सकते हैं, जैसे वहाँ पर भी था, प्रेसिडेंट पीएम साहब से पता कर सकते थे कि उनको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए हो कैबिनेट से रिलेटेड या लेजिस्लेशन से रिलेटेड, तो वो डायरेक्टली पूछ लेते थे। अब एक पॉइंट है जो मैं वहाँ पर बताना भूल गया था आपको, प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे, दैट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं या जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, दोनों के लिए सेम है ये, वो किसी भी हाउस से हो, चाहे लोअर हाउस या अपर हाउस, सेम गोज़ विद दिस लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो ऑटोमेटिकली उस हाउस के लीडर बन जाते हैं। यानी कि अगर हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा से होंगे, लोकसभा के सांसद होंगे, तो वो लोकसभा के लीडर बन जाएंगे, यानी कि लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। अगर वो राज्यसभा से सांसद होंगे तो वो राज्यसभा के लीडर होंगे, जैसे कि मनमोहन सिंह जी थे हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री, वो राज्यसभा के लीडर थे, लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। यहाँ पे भी सीएम के साथ भी वही है, सीएम साहब जिस भी हाउस से होंगे, ज़्यादातर तो विधानसभा ही हमारे, ये तो बहुत कम है, सिर्फ 6 स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो जो ये हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जो लीडर होगा वो चीफ मिनिस्टर होंगे। ओके, ये बात मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताई थी, तो मैंने सोचा अभी आप लोगों को बता दिया जाए। नाउ गवर्नर साहब जैसे किसी को अपॉइंट करते हैं तो वो रिकमेंडेशन भी कौन देता है उनको? चीफ मिनिस्टर खुद। लाइक फॉर एग्जांपल एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि सीनियर मोस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट अंडर आर्टिकल 165। इनको अगर अपॉइंट करना होता है गवर्नर साहब को, तो वो एडवाइस भी चीफ मिनिस्टर के थ्रू ही आता है, यानी कि सीएम साहब रिकमेंड करते हैं एक तरह से। उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो मेंबर्स होते हैं रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर साहब देते हैं। देन स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनके जो मेंबर्स होते हैं सारी की सारी रिकमेंडेशन सीएम साहब खुद देते हैं गवर्नर साहब को कि आप इनको अपॉइंट कर दीजिए, और गवर्नर फिर उन्हीं लोगों को अपॉइंट करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते। तो दोस्तों चीफ मिनिस्टर के बारे में जो बेसिक था सारा का सारा यही था। एज इट इज़ आपने नोट किया होगा कि सारी की सारी क्वालिटीज़ प्राइम मिनिस्टर के पॉइंट से मिलती हैं, कुछ भी अभी तक अलग नहीं है। अभी वहाँ पर भी हमने दो आर्टिकल पढ़े थे, 75 और 74, यहाँ पर भी है 163
164 सेम पॉइंट जो वहाँ पर थे वही सेम पॉइंट यहाँ पर भी। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी चीज़ अगर आपको पढ़नी है तो कंपेयर करके पढ़िए, तो थोड़ी आपको क्या होगी आसानी होगी, प्लस आपको ज़्यादा दिनों तक चीज़ें याद रहेंगी। तो अगर आपने पीएम के बारे में पढ़ लिया तो आपको चीफ मिनिस्टर के बारे में उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट्स सेम हैं। जैसे प्रेसिडेंट का अगर आप पढ़ लेंगे तो गवर्नर की आपको पढ़ने की ज़रूरत कम पड़ेगी, बहुत मतलब एक्सेप्शंस बहुत कम है कि उनकी कुछ क्वालिटीज़ अलग हैं, बाकी सारी की सारी जो पावर प्रेसिडेंट की यूनियन में होती है वही सेम गवर्नर की स्टेट के अंदर होती है। सेम गोज़ विद चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर की पीएम की यूनियन लेवल पे होती है, चीफ मिनिस्टर साहब की स्टेट लेवल पे होती है। तो लाइक 163 क्या कहता है, दैट देर शैल बी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। आर्टिकल 163 यानी कि 163 कहता है कि एक किसी भी राज्य के अंदर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे, जो कि उनको हेड कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर करेंगे, और वो क्या करेंगे, उनका काम क्या होगा, वो एडवाइस करेंगे गवर्नर साहब को उनके डिसीजन लेने के लिए। 164 क्या कहता है, 164 कहता है दैट देयर शैल बी चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। पॉइंट नंबर 164 के अंदर है पहला पॉइंट कि सीएम साहब को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर साहब। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज मिनिस्टर्स, यस मिनिस्टर्स, जो भी स्टेट के अंदर मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर, होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर। यही सेम क्लॉज हमने अंडर आर्टिकल 75 में पढ़ा था कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हटा के हमने गवर्नर कर दिया, और जो वहाँ पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स थे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, यहाँ पर स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। अब एट द प्लेजर का मतलब ये नहीं कि सीएम साहब को जब मन करेगा वो गवर्नर साहब हटा देंगे ना, जब तक उनके पास मेजॉरिटी है, उनके पास अपने असेंबली का कॉन्फिडेंस है, जो भी उनकी विधानसभा है उनका, उनके पास अगर कॉन्फिडेंस है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ, तब तक गवर्नर साहब उनको उनके पद से हटा नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि विधानसभा के अंदर कौन है, MLAs हैं, विधायक लोग हैं, विधायक को चुनती कौन है, जनता, जनता इलेक्शन का मतलब जब इलेक्शन होता है तो जनता अपने विधानसभा यानी जो उनका प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव को उस हाउस के अंदर भेजते हैं इलेक्शन के थ्रू। तो और लोकतंत्र देश है तो लोकतंत्र का मतलब लोगों की पावर या जनता की पावर, तो गवर्नर साहब अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते सीएम साहब को जब तक जनता का सपोर्ट है। जनता का सपोर्ट का मतलब क्या होता है, उस हाउस का, दैट असेंबली का सपोर्ट है असेंबली में, क्योंकि अल्टीमेटली जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही लोग हैं। तो इसलिए जब तक पब्लिक का सपोर्ट है तब तक गवर्नर साहब इनको, सीएम साहब को नहीं हटा सकते उनके पद से। प्लेजर का मतलब इसलिए, प्लेजर इसलिए लिखा हुआ है इसके अंदर, सपोज़ उनकी मेजॉरिटी हट गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तब गवर्नर साहब कहेंगे कि भैया आपका टाइम आ गया है, आप अब इस कुर्सी से हटिए, और वो फिर नया चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जिसके पास मेजॉरिटी होती है, जिसके पास अपने उस हाउस का कॉन्फिडेंस होता है। अब इसमें इस आर्टिकल थर्ड क्लॉज क्या है, पहला था चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सेकंड इज मिनिस्टर होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, एंड थर्ड पॉइंट इज स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कलेक्टिवली जो हमने सेम पॉइंट वहां पर पढ़ा था अंडर आर्टिकल 75 प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए पढ़ा था हमने, जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा, विधानसभा मतलब वही लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो आप समझ सकते हैं कि सारे के सारे पॉइंट्स सेम हैं। तो आपने अगर अपने
आपने अगर प्राइम मिनिस्टर की क्लास देखी है अच्छे से और वो क्लास अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो आपको चीफ मिनिस्टर की क्लास में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट्स सेम हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और इनको कंपेयर करके भी देखा हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। ऐसे गवर्नर को भी हमने कंपेयर किया प्रेसिडेंट साहब के साथ। तो कंपेयर करके हमें थोड़ी सी आसानी हुई टॉपिक को समझने में भी, और टॉपिक को लंबे समय तक याद रखने में भी आपको ये आसानी होगी। तो मैं आपको आगे भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको यूनियन लेवल पर और स्टेट लेवल पर कंपेयर करके पढ़िए, ताकि आपको आसानी हो और आप ज़्यादा दिनों तक चीज़ों को याद रख सकें। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स वगैरह कुछ भी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में वीडियो में ही आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।